दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर को कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, परफेक्ट डोज क्या है, कौन कौन से तरीकों से फसलों में यूज करना चाहिए, उसके साथ ही इसका कॉम्बिनेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइजर एक रासायनिक खाद है जो कि 100% वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर ये होता है। मैग्नीशियम प्लस सल्फर का ये कॉम्बिनेशन होता है। दोनों ही पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम भी और सल्फर भी। द्वितीय पोषक तत्व तीन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसमें दो पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम और सल्फर, तो इन दो का बेनिफिट हमारी फसलों में देखने को मिलेगा। दोस्तों अक्सर किसान डीएपी है, एसएसपी है, यूरिया है या न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम पे फोकस नहीं करते हैं। और किसान ये सोचते हैं कि यूरिया वगैरह दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जिंक वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन फसल हरी भरी नहीं है। उसका रीजन अक्सर ये भी होता है कि मैग्नीशियम की कमी होती है। तो मैग्नीशियम पे भी फोकस जरूर करना चाहिए। दोस्तों मेरे पास ये श्रीराम कंपनी का है जिसमें कि मैग्नीशियम है 9.5% और सल्फर है 12%। अलग अलग बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, सभी के रिजल्ट सेम मिलते हैं क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम और सल्फर का ये कॉम्बिनेशन आता है। एक और है मेरे पास जो कि है ग्रोमोर कंपनी का, और ये 5 kg का पैकेट है। इसमें भी 9.5% मैग्नीशियम है और 12% सल्फर आता है। तो किसी भी आप कंपनी का ले लीजिए, सभी के रिजल्ट सेम ही मिलेंगे। अब दोस्तों कि मैग्नीशियम सल्फेट को फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट हमारे फसलों में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, दो पोषक तत्व आते हैं, मैग्नीशियम और सल्फर, तो दोनों के बेनिफिट हमारे फसलों में देखने को मिलेंगे। मैग्नीशियम के बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों फसलों में चाहे आप डीएपी यूज कीजिए, चाहे आप एसएसपी यूज कीजिए, चाहे एनपीके यूज कीजिए, फास्फोरस तभी पौधा अपटेक कर पाएगा जब मैग्नीशियम प्रॉपर मात्रा में होगा। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो फास्फोरस का अपटेक ही नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट इसका काम है, फास्फोरस की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसकी उपयोगिता को बढ़ाएगा और पौधा फास्फोरस को अपटेक कर पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ ही क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण हो पाती है और पौधा भोजन बना पाते हैं, जिसे क्लोरोफिल का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण आदि में भाग लेने वाले बहुत सारे एंजाइम्स की सक्रियता या एक्टिविटी को ये बढ़ाता है, तो इसलिए मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी फसलों के लिए होता है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम को फसलों में जरूर यूज करना चाहिए, बहुत तरीके के इसके बेनिफिट्स हैं। अब मैग्नीशियम की कमी को आप फसलों में कैसे पहचान कर सकते हैं। दोस्तों पुरानी पत्तियों पर अगर पौधों की पत्तियों की नसें हैं, पुरानी पत्तियों की नसें अगर हरी हैं लेकिन नसों के बीच का जो भाग होता है वो अगर पीला हो रहा है तो ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। उसके साथ ही पत्तियां पीली तो होंगी, उसके साथ ही पत्तियों की साइज छोटी हो जाएगी और पत्तियां हार्ड हो जाती हैं, तो ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट इसमें पोषक तत्व आता है सल्फर। दोस्तों सल्फर का उपयोग सभी किसान दोस्त जानते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार कवर करूं कि मैं क्या क्या फायदे हमारे फसलों में देखने को मिलते हैं। सल्फर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है जिससे कि क्लोरोफिल का निर्माण होता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है जिससे कि दाने की साइज अच्छी बनती है, वजन अच्छा बैठता है। जैसे सरसों वगैरह, इसमें सल्फर का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। अभी मूंगफली की फसल चल रही है तो मूंगफली में भी सल्फर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो सल्फर को जरूर यूज करना चाहिए। उसके साथ ही सल्फर दोस्तों कंद वाली फसलों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि कंद की साइज अच्छी बनती है। स्पेशली अगर प्याज है, लहसुन की खेती कर रहे हैं तो सल्फर को बहुत ही जरूरी यूज करना चाहिए। उसके साथ ही कंद वाली फसलों में जैसे आलू है, आलू में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाएगा तो आलू की साइज अच्छी बनती है।
और इन सब के साथ में सल्फर बहुत ही अच्छा फंगिसाइड भी है। बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं जिनमें सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे टेबुकिनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, स्वादिन फंगिसाइड है, बहुत सारे फंगिसाइड्स में कॉम्बिनेशन आता है, और सल्फर अकेला भी बहुत अच्छा फंगिसाइड है, तो फसलों को फंगस जनित डिजीज से भी बचाता है और कुछ हद तक इंसेक्ट को भी ये कंट्रोल करता है। तो सल्फर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स फसलों में देखने को मिलते हैं। अब सल्फर की कमी को कैसे पहचान कर सकते हैं? दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होगी वैसे ही सेम सल्फर की कमी होती है। डिफरेंस इतना होता है कि नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों में पीलापन आता है और सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है, ये मेन डिफरेंस होता है। बाकी और सेम पीलापन आएगा, सेम डिफिशियंसी देखने को मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां और सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है, ये इनमें डिफरेंस होता है। और इस तरीके से आप सल्फर की कमी को पहचान कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट को कौन कौन सी फसलों में यूज में ले सकते हैं? सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, जैसे मिर्च है, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरई, करेला, शिमला मिर्च है, गोभी है, पत्ता गोभी है, सब में यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही कंद वर्गीय फसलों में जरूर यूज करना चाहिए, कंद की साइज अच्छी बढ़ाने के लिए। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, तो तिलहनी फसलों में यूज करना चाहिए। सभी प्रकार की फसलें हरी भरी रहें, अच्छी उपज के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हैं। दलहनी फसलों में, दाल में जैसे कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा तो दाल की साइज अच्छी बनेगी, वजन अच्छा बैठता है। उसके साथ ही गन्ना, कपास, धान, गेहूं, मूंगफली, सब प्रकार की फसलों में इसको यूज कर सकते हैं, बागवानी में यूज कर सकते हैं, अनार, अंगूर, बनाना वगैरह, उन सब के साथ। दोस्तों, फूलों वाली खेती में, जैसे मैरीगोल्ड में, अक्सर मैं कहती हूँ कि मैरीगोल्ड अगर आप खेती कर रहे हैं, अभी मैरीगोल्ड का टाइम चल रहा है, फ्लोवर की साइज नहीं बनती, फ्लोवर अच्छे से खिल नहीं पाता है, तो उस टाइम जरूर यूज करना चाहिए। तो फूलों वाली खेती में इसका उपयोग होता है, रोज की खेती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, यानी सभी प्रकार की फसलों में ये द्वितीयक पोषक तत्व है, तो सभी प्रकार के फसलों में, पौधों में इसकी आवश्यकता होती है, तो सभी में बेझिझक इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट कितने प्रकार का आता है अगर मैं डिस्कस करूं तो ये मेरे पास है दोस्तों, हल्का सा दानेदार फॉर्म में आता है मैग्नीशियम सल्फेट, सबसे ज्यादा उपयोगी यही होता है, इसी का बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है और फसलों को जल्दी रिकवर करना है, तो चिलिटेड फॉर्म भी आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। EDTA फॉर्म में भी आता है, चार पांच फॉर्म में आता है, तो आप किसी का भी यूज कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट इसी का रहता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का ही आप यूज करें, और रूट में आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों, मेरे पास ये 1 kg का पैकेट है और लगभग ये 70 रुपए के समथिंग आ जाता है, और ग्रो मोर का है ये मेरे पास, ये 5 kg का पैकेट है, और जिसपे MRP है दोस्तों 250 रुपए, और लगभग इतने में ये मार्केट में आता है, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा इसकी नहीं आती है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, सभी के रिजल्ट सेम आते हैं, ये ग्रोमोर कंपनी का है। अब दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट को कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, परफेक्ट डोज क्या है? इसको ड्रिप से भी आप यूज कर सकते हैं, छिड़काव विधि से, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं तो यूरिया वगैरह के साथ में, धनजाइम के साथ में, आप छिड़काव विधि से भी जड़ों में भी इसको दे सकते हैं, कंद वर्गीय फसलों में, उसके साथ ही आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ड्रिप से दोस्तों मिनिमम 1 kg, 1 kg से आप 3 kg तक पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चला सकते हैं। अगर दलहनी, तिलहनी है, गन्ना है, कपास है, तो इनमें आप 5 kg भी यूज कर सकते हैं, कंद वाली फसलों में आप 5 kg तक भी ड्रिप से चला सकते हैं। छिड़काव विधि है तो छिड़काव विधि में भी आप जैसे जड़ों में पहले यूरिया वगैरह डालते हैं उस अनुसार आप डालेंगे, तो 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप जड़ों में इसको देंगे। स्प्रे करेंगे दोस्तों, स्प्रे बहुत ही केयरफुली करना होता है, चाहे कोई सा भी NPK लीजिए, यूरिया लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनको बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की मैं बात करूं, इसकी डोज की बात करूं स्प्रे के लिए, तो
तो 70 से 80 ग्राम प्रति 15-16 लीटर का जो टैंक आता है उसमें आप डाल करके मिक्स कीजिए, अच्छे से घोलेंगे और फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज नहीं लेनी है, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। 1 एकड़ के लिए स्प्रे के लिए आप 1 kg तक यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, विशेष सावधानी या विशेष टिप आप समझिए कि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रूट में चलाने से। चाहे आप ड्रिप से चलाइए, चाहे आप जिस भी विधि से पानी दे रहे हैं, आपके प्लांट्स में या फसलों में जड़ों में जाना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट विशेष सावधानी के तौर पे, क्रॉप आपकी 30 से 35 दिन होगी, उस टाइम अगर आप अपनी क्रॉप में चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। वैसे आप किसी भी अवस्था में दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम फसलों को हरा भरा रखता है, क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है, तो फिर आप किसी भी अवस्था में दे सकते हैं अगर मैग्नीशियम की कमी है तो। लेकिन बेस्ट रिजल्ट रहेगा अगर डिफिशियंसी नहीं है फिर भी आप देना चाह रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आपकी क्रॉप जब 30 से 35 दिन की हो जाए उस टाइम आप इसको यूज कर लें। और स्पेशली दोस्तों, दलहनी, तिलहनी और कंद वर्गीय फसलों में आपको जरूर यूज कर लेना चाहिए। अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन की बात करूं तो दोस्तों, जितने भी सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर है उनका नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इनके साथ में नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, रिजल्ट दोनों का ही नहीं मिलेगा। आप कॉम्बिनेशन करके अगर देखेंगे, घोल तैयार करके देखेंगे घर पे भी, तो ये घोल फट जाता है, तो दोनों का ही रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कॉम्बिनेशन आप ना करें। बाकी इसके साथ में आप जैसे कि छिड़काव विधि से या किसी भी विधि से यूज करें, यूरिया यूज कर सकते हैं, बायोजाइम है, धनजाइम है, इसका यूज कर सकते हैं, टॉनिक का यूज कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट का यूज कर सकते हैं, एनपीके का आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो बाकी नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर के अलावा आप सबका यूज कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।